नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं आपके साथ सोनू। उज्जैन के अलग अलग इलाकों में बीते कई दिनों से हो रही चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार रविवार रात कैलाश एम्पायर में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर गिरोह हाथों में गिलोल से हमला करते दिख रहे हैं, ताकि कुत्ते भौंके तो उन पर दूर से ही निशाना लगाकर उन्हें भगाया जा सके। शनिवार रविवार की मध्यरात्रि को एक साथ चार जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोर लाखों का माल ले उड़े हैं। मक्सी रोड स्थित कैलाश एम्पायर में एक साथ चार सोने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में दिखाई दे रहे बेखौफ चोर आसानी से सड़क पर खड़े होकर रेकी करते हैं। इस दौरान कुछ स्ट्रीट डॉग भौंकते हैं तो चोर उन पर गिलोल से हमला कर देते हैं। इसके बाद एक घर में बदमाशों ने बाउंड्री वाल पर चढ़कर कैमरे की दिशा भी बदल दी, ताकि वे उसमें कैद नहीं हो सके। उज्जैन में इससे पहले भी कई बार चोरी की वारदात हुई और उसके सीसीटीवी भी सामने आए हैं, लेकिन कैलाश एम्पायर में हुई चोरी में चोरों के पास पहली बार गिलोल दिखाई दी, जो कि कुत्ते को भगाने में काम में ले रहे हैं। चोर कैलाश एम्पायर कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक भगवान सिंह के घर से 1.5 तोला सोना, झुमकी, मंगलसूत्र, 500 ग्राम चांदी, 15,000 नकद और अन्य कीमती सामान ले गए। इसी कॉलोनी के शंकर उपाध्याय के घर से 11 ग्राम की झुमकी, मंगलसूत्र 12 ग्राम का, 250 ग्राम चांदी, 40,000 का लैपटॉप और पवन पाटीदार के घर से 7,000 नकद, महावीर साहू के घर से अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं।